महाराष्ट्र के अमरावती में 23 नवंबर को अकोला राजमार्ग पर बरनेरा वाई पॉइंट पर श्रम उपकरण के स्मारक का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के शुभ हाथों से किया गया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा इस राजमार्ग के निर्माण और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राजपथ इंफ्राकॉन नई अवधारणाएं और नई महत्वाकांक्षा के साथ काम कर रहा है। राजपथ इंफ्राकॉन देश की एकमात्र निजी कंपनी है जिसने रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस विश्व रिकॉर्ड की स्मृति में एक स्तंभ स्मारक बनाया गया है। इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक सुनहरी याद बनाना ही इस स्तंभ स्मारक का उद्देश्य है। श्रम ही है सम्मान की नीति को अपनाकर इस राष्ट्रीय कार्य में सैकड़ों हाथ लगे। इस कार्य की सफलता हेतु निरंतर और समर्पित भावना से प्रयास करने वाले सभी 728 श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए इस स्तंभ स्मारक पर सभी श्रमिकों के नाम उकेरे गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर अमरावती और अकोला के बीच 75 किलोमीटर से अधिक लंबे राजमार्ग की बिटूमिनस कॉन्क्रीटिंग चरण एक और चरण दो में की गई है। यह निर्माण कार्य 3 जून 2022 को सुबह 7:27 पर शुरू हुआ, शाम 5 बजे समाप्त हुआ। राजपथ ने लगातार 105 घंटे और 33 मिनट तक काम किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। या वर्षी आमच्या विभागाने लेखा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अशा प्रकारे 7 रेकॉर्ड प्रस्थापित केले आहेत। त्यामध्ये विशेष रूपाने राजपथ इन्फ्रॉकॉन या पुण्यातील कंपनीने अमरावती ते पुरणपेठ दरम्यान 75 किलोमीटरपेक्षा जास्त सिंगल लेन रस्त्याच्या नागरीकरणाचे काम कुठेही न थांबता पूर्ण केलेले आहे। 3 जून 2022 रोजी सकाळी 7:47 सुरू झालेले काम 7 जून 2022 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता संपले आणि एकूण 105 तास 33 मिनिटे सातत्याने काम करत राजपथने गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डवर नाव कोरलं। महाविक्रम भारत मातेचा आझादीचा अमृत महोत्सव। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।